चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो डीएम साहब, फिर हम इन प्रस्तावों को मानने के नहीं, और जो आपको करना कर लियो। कोई ताकत नहीं है डीएम की, आज ठाया दिखाता हम खड़े यहाँ भाई। मैं इस प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूँ, आजा अपनी हिम्मत दिखाओ तो राजा लाठी चार्ज करके दिखाओ। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो धरने को कौन संभालेगा, ये मिल वाला अपने मिल से हमको बाहर निकालेगा। किसानों से करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। 14-15 किसान वहां पहुंच गए जी डीएम के पास। वार्ता शुरू हुई तो डीएम साहब ने कहा जो धरना समिति में से लाओ उसका दिक्कत नहीं। दिक्कत शुरू हुई आप लोगों से, आप लोगों ने मिल का रिपेयरिंग कार्य बंद करा रखा। सबसे पहले तो आप लोग मिल का रिपेयरिंग कार्य शुरू करा, मिल चलेगी। बार बार, एक बार नहीं कई बार कहा गया मिल तो हमें चलानी पड़ेगी, अगर आप लोग नहीं उठोगे वहां से हम उठवा देंगे आपको, और अभी जाइएगा, अभी रिपेयरिंग का काम शुरू करिएगा। हमने कहा जी मार तो धरना 3 बजे से शुरू हो, किसान 3 बजे आना शुरू हो, इससे पहले हम क्या कर सके। तो वो टाइम 5 बजे का टेक दिया गया जी। डीएम साहब ने कहा 5 बजे तक का समय आपके पास है, फिर आपके पास समय नहीं है, हम उठवा देंगे। फिर शास्त्री जी ने कहा जो आपने प्रस्ताव बताया हमने सुन लिया, हमारे किसान भाई आवेंगे, ये प्रस्ताव हम किसानों के सामने रखेंगे। अगर किसानों ने प्रस्ताव मान लिए तो हमें ऐतराज नहीं है, और अगर किसानों ने प्रस्ताव न माने तो डीएम साहब फिर हम इन प्रस्तावों को मानने के नहीं, और जो आपको करना कर लियो। जो कल का इनका मामला हुआ कि एडीएम साहब ने कह रहा था अब हम जबरदस्ती बिठा देंगे, कोई ताकत नहीं है एडीएम की, आज ठाया दिखाता हम खड़े यहाँ भाई। कोई कितनी पड़ोसी है ये अपनी जबरदस्ती ठाया दिखा दिए जा, इसी तो हमें 1/10 हिस्सा रहे हैं, 9 हिस्से और मेरे गांव में बैठे। अपना पिछला भुगतान लेने और आगे फैक्ट्री को चला लो और 14 दिन का संविधान कर लो देने का। हम तो एक बात जाने भाई, 3 महीने से बैठे धरने पे, हमारा कोई हल नहीं निकलता। हम विवाद के पीछे नहीं, हम तो नुचावे संवाद थे, यूँ काम हल हो जा, फैक्ट्री भी चल जा, हमारा ईंट भी निकल जा, गेहूँ भी बो जा, पर यूँ तो देखता ही नहीं पैसा। ये बच्चे स्कूल भी ना घरों बैठे, बीमार हैं घरों पड़े के करे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने संपूर्ण और रिकॉर्ड तोड़ गन्ना भुगतान कर दिया है। एक बात है, सरकार बकुजो, सरकार बकुजो, तो सरकार हमारा रिकॉर्ड देख लो, तो यानी के कागजों पे ही काम हो रहा है, कागजों पे काम हो रहा। अच्छा, जैसे पैराई सत्र शुरू होता है तो ये कब से शुरू होना था पैराई सत्र? पैराई द्वारा लेकिन जैसे किसानों का गन्ना भी खेत में होगा तो कैसे वो नुकसान हो रहा होगा फिर किसान को, तो करना कांडा तो जी। एक बता जी, पैसा पिछला गेंद अगला मिलता नहीं, फायदा क्या है, नुकसान कितना ही हो, इसे देखा के फायदा। अगर गन्ना खराब हो गया, गन्ना खराब हो जाता है, कोई लायक से लगा और के इसे देना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अपना हक लेते रहेंगे, ताना सही नहीं करेगी। प्रशासन से एक बात पूछना चाहूं, जैसे कल कुछ ऐलान करा था किसान भाइयों को देख के इस अन्नदाता के ऊपर लाठी चलाने का ऐलान प्रशासन करता है, मैं इस प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूं, आज अपनी हिम्मत दिखाओ तो आज लाठी चार्ज करके दिखाओ।
अब हमें पेमेंट के लिए नहीं अलझना चाहिए था, हमें अलझना था इस गन्ने के भाव के लिए। ये सरकार की नियत में खोट है, पेमेंट ना करके कल एक गन्ने के भाव के लिए नहीं बोलने के। दूसरा खोट है, सरकार चाहती है कि किसानों से किसान लड़ा रहे हैं आपस में, और मैं दावा करता हूं इस मंच से और इस पंचायत के माध्यम से, यहां सर उठाप की पंचायत आए, सभी लोग मौजूद हैं यहां, सभी बिरादरी के लोग मौजूद हैं यहां, किसान बटने का नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और इन पंचायतों के माध्यम से लड़ाई लड़के संघर्ष करके अपने पेमेंट को लेगा। सरकार की किसानों के प्रति बहुत लापरवाही निगाह है। आज हरियाणा में गन्ना मूल्य घोषित होगा, पंजाब में 382 है, वहां में जले कुछ और बद गया होगा, कुछ कुछ ना कुछ 400 होगा। किसानों के साथ में 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 450 रुपए का रेट देंगे, सब लोग भाषण भी सुन लिया होगा, मेरठ की पंचायत में कहा था, अब जो हमारी सरकार बनेगी 450 का रेट देंगे। भाई प्रधानमंत्री भी झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्या वो बता रही उसमें जो कमेटी के में है, देखो हम भी उनके साथ है, जिस भी तुम कहोगे जी भी आप लोगों के साथ है, और इस आंदोलन का इस धरने का हम बिल्कुल समर्थन करें, हम कोई भी ऐसी बात नहीं, किसानों के मान सम्मान के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होने का।